वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दुनिया का एक दस्तूर है कि जब किसी के औगुण देखती है ना तो उन्हें तो पिट कर लेंदी है। पर रब के बंदियां दे विच एक बड़ी वड्डी खासियत है जो रब नू हाजर नाजर सर्व कला समर्थ समझते ने, जानते ने, महसूस करते ने। एक गुरु के प्यारे सेवक होए ने धर्मदास, उन्होंने कोल एक बंदा रहने वास्ते आया। बहुत औगण सन उन्दे विच। नाल दे डेरेदार ने धर्मदास जी नू एक सुनेहा भेजा, कहन लगे गुरमुखो जो तुहाडे डेरे दे विच इस वेले आ नौजवान लड़का रह रहा ना, ये लड़का बहुत ही फरेबी है। इंदे विच चार बड़े वड्डे औगण ने। पहला, ये झूठ बहुत बोलता है। दूसरा, ये बेईमानियां बहुत करता है। तीसरा, इनू खाण दा बहुत स्कूल आया। चौथा, ये काम करके राजी नहीं। धर्मदास जी ने जो ये सुनेहा मिलिया बहुत खुश हुए, कहन लगे शुक्र है कोई रब दे नेड़े दा बंदा मेरे डेरे विच आया है। चुगली करन वाले ने सोचा शायद मैनू कह रहे ने, चुगली करन वाले नू कह रहे, कहिंदे दस ते सही उह कित्थे है, कहिंदे जी ओ सामने बैठा है वेला। धर्मदास जी गए, जाके उन्दे पैरी पए, कहन लगे शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आ मेरे डेरेदारा ने मेरी ही जिंदगी सवार दित्ती, मेरा भला कर दिता। मैनू जिंदगी विच ओ बंदा मिलिया जिंदे विच सिर्फ चार औगण ने। आ मेरे वल झात मार के वेख, लखां गुनाह पाप जिहड़े अंदर बैठे ने कदे किसे नू दसदे ही नहीं, भलिया तेरे कर्मां ने दस दिता है कि तू झूठा आ, तू बेईमान है, खाण दा भुखा आ, ते तू कम करके राजी नहीं। कहन लगे बड़ा चंगा आ, कोई मेरे तो अगां दा मैनू टक्करिया। उस नौजवान दे मन ते अजही सट वजी, उन्हें प्रण किया बाबा जी अज तो बाद मैं कदे जिंदगी विच बेईमानी नहीं करांगा, झूठ नहीं बोलांगा, फालतू खावांगा नहीं, ते मैं डेरे दे विच रह के सेवा करांगा। चुगली लाने वाले बंदे दे मन उपर बड़ा गहरा असर पिया। मैं तो चाहुंदा सां भी ये जिवें असी इस लड़के नू अपने डेरे विचों कढ़िया, धर्मदास जी भी अपने डेरे दे विचों कढ़ देन। पर वह हैरान होया, सच्ची धर्मदास जी नू इवें नहीं गुरु के सिख प्यार करदे, किसे गल करके प्यार करदे। यही रब के बंदियां दी वडियाई है, ते असी भी तो रब के बंदे हाँ, सानू भी तो रब ने पैदा किया। इवें दी जरूर मानसिकता हर बंदे दे अंदर होनी चाहिए है। मैं हर बार कहना हाँ, किसे दुखीए नू देख के जे साडे अंदर तरस की भावना आउंदी है, तो किसे अवगणियारे नू वेख के भी साडे अंदर तरस की भावना जरूर आनी चाहिए है। जे एक बीमार बंदे नू सहायता की लोड़ है, तो एक अवगणियारे बंदे नू भी सहायता की लोड़ है। जे एक पागल बंदा तरसदा पात्र है, तो एक अवगणियारा बंदा भी तरसदा पात्र है। सतगुरु मेरे तुहाडे सभना ते कृपा करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।